अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड डेफिनेशंस चैप्टर वाइज, जो प्रीवियस 10 ईयर से बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं और गेस्ट पेपर 2025 से सिलेक्ट की गई हैं। ये डेफिनेशंस जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर पूछी जाती हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को मैथ मुश्किल लगता है वो एमसीक्यूज और डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लेते हैं और पासिंग मार्क्स ले लेते हैं। ये जो है सिलेक्टिव कोर्स करने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है डेफिनेशंस और टॉपर्स के लिए भी। ठीक है, चले हम चैप्टर वाइज जो है डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 से फंक्शन डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोमेन और रेंज का डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएट करें तो आपने दरमियान में लाइन लगा के फिर डेफिनेशन पहले लिखें दोनों की, फिर उसके बाद एक एक एग्जाम्पल्स या कोई सिंबल लिख दें। ठीक है, डिफरेंशिएट आपने हमेशा दरमियान में लाइन लगा के करना है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पैरामेट्रिक फंक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ये चैप्टर नंबर 1 की ये डेफिनेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से आने वाले डेफिनेशन आप इजीली कवर कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है, जो शॉर्ट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो डेफिनेशन मोस्ट रिपीट हो रही हैं वो ये हैं। पहली डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, इसका डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट आ सकता है। उसके बाद रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड मिनिमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मैं अगेन बता रही हूँ कि डिफरेंशिएट पूछा जाए तो अपने दरमियान में लाइन लगा के डेफिनेशन और एक कोई एग्जाम्पल्स या सिंबल या कोई फार्मूला लिख के डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, ये भी शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशंस जो है डेफिनेट इंटीग्रल इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है, तो आप विद एग्जाम्पल इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। उसके बाद इनिशियल वैल्यू कंडीशन, ये वाली डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से ये वाले डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थी और डिफरेंशिएट इंपॉर्टेंट थे, ये वाले प्रिपेयर कर लेंगे तो चैप्टर नंबर 3 से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेशन वाइज आप इनको इजीली क्लियर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है, इसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन और होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है, इसकी ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर इनक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसकी भी आपने डेफिनेशंस पहले लिखनी है लाइन लगा के, और उसके बाद इसको कोई भी इसके दरमियान जो डिफरेंशिएट होगा आपने इसको कर देना, कोई फार्मूला हो या कोई एग्जाम्पल हो आपने इसको डिफरेंशिएट इस तरह करना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन रीजन की डेफिनेशन, कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स की डेफिनेशन, या वो कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वर्टेक्स दोनों एक ही हैं। उसके बाद नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन सेट में डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएट जो है आप लाइन लगा के कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ये हैं। चैप्टर नंबर 6 वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से भी, शॉर्ट के लिहाज से भी, और इसमें डेफिनेशंस जो है मोस्टली आती हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो है कोन की, एक्सिस ऑफ कोन, फिर अपेक्स है, नेप ऑफ अ कोन, कॉनिक सेक्शन है, सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन सर्कल का डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी जा सकती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन भी पूछी जा सकती है, कॉर्ड और डायमीटर। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 से, तो आपने डेफिनेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है, इसकी डेफिनेशन जो है स्केलर वेक्टर, इसका भी डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो वाली डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर और पोजिशन वेक्टर, इसका वो किसी भी दो का डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड डेफिनेशन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। उसके अलावा मैंने पेयरिंग स्कीम और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आप इनके बुक पे निशान लगा लें और इनके अच्छी तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करें और एग्ज़ाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स हासिल करें। और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।